सबसे पहले खबर आपको बता रहे हैं जहां नारायणपुर जिले के कंडेनार आईटीबीपी कैंप में एक जवान ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें 6 जवानों की मौत हो गई है। फायरिंग करने वाले जवान की भी मौत हो गई है। बस्तर आईजी सुंदर राज पी का कहना है कि जांच के बाद ही इसके पीछे की वजह पता चल पाएगी। ये जवान आईटीबीपी की 45 बटालियन के हैं और इसमें 3 जवान जख्मी हो गए हैं। पुलिस महानिरीक्षक ने बताया है कि जवानों के शव और घायल जवानों को अस्पताल भेजा गया है। उन्होंने बताया कि घटना के बाद नारायणपुर जिले के पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग भी घटनास्थल पर मौजूद हैं। आईटीबीपी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। आरोपी जवान का नाम मुसूदुल रहमान खान बताया जा रहा है, जो पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी ने बताया है कि इस घटना में हिमाचल प्रदेश निवासी प्रधान आरक्षक महेंद्र सिंह, पंजाब निवासी प्रधान आरक्षक दलजीत सिंह, पश्चिम बंगाल निवासी आरक्षक सुरजीत सरकार और आरक्षक विश्वरूप महंत और केरल निवासी आरक्षक बीजेपी की मौत हुई है। करीब एक आईटीबीपी के जवान ने अपने सर्विस राइफल से अपने साथियों पर गोली चलाई, जिसमें 6 जवानों की मौत हो गई और 2 जवान घायल हैं। घटना की वजह अभी इसलिए नहीं पता, अंदरूनी क्षेत्र का कैंप है जहां पे अभी कम्युनिकेशन की कुछ प्रॉब्लम है। अधिकारी जाएंगे वहां पर और उनसे जब बात होगी। हमारे किसी आदेश के विरोध में जाके आपस में तो कोई टकराव का प्रश्न ही नहीं होता और न ही कोई ऐसा आदेश सरकार देती है। उनका काम है मोमेंट में जो लड़ाई लड़ना, उसको वो बखूबी करते हैं। जितने साधन सुविधा सरकार को देनी चाहिए या उनकी आवश्यकताएं होती हैं वो हम पूरा करते हैं। तो सरकार के किसी कारण से ऐसा घटना नहीं है। पता चलेगा कि आपस में क्या विवाद हुआ, किस कारण से ये घटना हुआ, वो पता चल जाएगा। कुछ देर में विस्तृत जानकारी आएगी। बेहद दुखद घटना है। आईटीबीपी के जवान ने आईटीबीपी के ही जवानों को गोलियों से छलनी कर दिया और ये बेहद ही दुर्भाग्यजनक है। और इस प्रकार की घटना कैसे घटी इसकी जांच होनी चाहिए। जो मृतक परिवार है उसके प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं और ये बेहद दुखद घटना है। नारायणपुर जिले के करीना आईटीबीपी कैंप में एक जवान अपने बाकी साथियों के ऊपर गोली चला लिया। उस घटना में टोटल 5 आईटीबीपी जवान का मृत्यु हुआ और 2 लोग घायल हुआ है। घायलों का भी बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किए गए थे और बाकी उस घटना का अंजाम देने वाला जो आरक्षक है उनका भी इस घटना में डेथ हुई है। अभी पुलिस अधीक्षक नारायणपुर एवं कमांडेंट आईटीबीपी स्पॉट पर गए हुआ, वो लोग पूरा जांच पड़ताल कर रहे हैं किस परिस्थिति में घटना हुआ और उसके पीछे क्या कारण रहा। इन सब तमाम परिस्थिति को जांच पड़ताल कर रहे हैं। संपूर्ण जानकारी एसपी की रिपोर्ट के पश्चात मिल जाएगा।